अर्शी खान बनी बिग बॉस के घर में चोर, रूबीना की कीमती और पर्सनल सामान हो रहे हैं चोरी। आखिर कौन कर रहा है रूबीना की पर्सनल सामान पर अटैक, चलिए जानते हैं। दरअसल लाइव फीड में दिखाया गया है कि रूबीना और निकी तंबोली और राखी बेडरूम एरिया में बात कर रहे होते हैं, जहां निकी कहती है कि रूबीना तुम्हारा पर्सनल सामान चोरी हो रहा है, तुम्हारी जो कीमती चीजें हैं वो कोई चुरा रहा है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो कौन चोर हो सकता है। जिस पर रूबीना कहती हैं कि हाँ मेरे घर वाले मुझे बहुत महंगा महंगा सामान भेजते हैं और यहाँ पर जैसे ही लगेज रूम में मेरा सामान आता है घर से, वैसे ही अर्शी खान सबसे पहले जाती हैं लगेज एरिया में और जहाँ अर्शी खान मेरे सामानों को चुराती हैं। वेल, यहाँ पर अर्शी खान के ऊपर उंगली उठाती हुई रूबीना नजर आती हैं। इसी के साथ वो दंड की बात भी करती हुई नजर आती हैं अर्शी खान के लिए, जहाँ रूबीना राखी को कहती हैं, क्योंकि राखी इस हफ्ते घर की कैप्टन है तो वो दंड दे सकती हैं अर्शी खान को। यहाँ पर राखी को कहती हैं कि आप अर्शी खान से काम करवाइए, वो जब से वीकेंड के बाद पे उनकी कुछ तारीफ किया हो गई है तब से वो कोई काम नहीं कर रही हैं, इसीलिए आप कैप्टन हैं, आप दंड दे सकती हैं। जिस पर राखी कहती हैं हाँ मैं दंड दे सकती हूँ, और इसी के साथ राखी कहती है मैं अगर अपने पहले वाले रूप में आ जाऊं तो मैं इसको अपने उंगलियों पर नचा सकती हूँ। वेल, अब रूबीना ने तो सुलगा दी है आग, अब देखना यह है कि राखी सावंत और अर्शी खान के बीच क्या युद्ध देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पर रूबीना ने जो अर्शी पर इल्जाम लगाया है ये किस हद तक सही है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। टेलीविजन की लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।